जिद्दे में रहती हूँ, हज किरान तो जिद्दे वालों का होता नहीं। आपने जो किया बाहर अल्लाह कबूल करे। मैं दौरे हदीस की तालिबा हूँ, लेकिन मुझे लिकोरिया का मसला है। बार बार वजू ना करें, बस एक दफ़ा वजू कर लें, बस उसके बाद अपना किताबें पढ़ती रहें, पैम्पर वगैरह इस्तेमाल कर लें। वैसे एक बुज़ुर्ग ने लिखा है अल्लाह आलम, लेकिन कुरान की आयत है, पढ़ने में क्या खौफ है। जब कुरान हो या हदीस हो उसमें तो कोई डर नहीं होता ना। कुरान की जो आयत है ना, वकील या अबलई मा के वया समाउ अकलई वगीदल माउ वकुलियल अम्र, ये आयत 40 दफ़ा पढ़ के हाथ में दम करके जेर नाव फेर दिया करें, चंद दिनों में लिकोरिया ख़त्म है। जनाजे से पहले जो औरतें मैयत वाले घर जाती हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है, बिदअत है। पहले जाएँ बाद में ताज़ियत तो जायज़ है, लेकिन ये औरतें तो अपने अपने मुर्दे को रोने के लिए जाती हैं, उसको थोड़ा जाती है रोने के लिए। हर वो कहते हैं ना कि सबको अपने अपने ताबूत पे पिटना होता है। हैज़ के दिनों में आयत करीमा बतौर वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये कुरान में देख रहे हैं, दखल तो जिन माशा अल्लाह, आगे आयत क्या है। मेरे बेटे का नाम सैयद हंजला है, हंजले का माना कड़वा दरख्त, कोई बात नहीं, हंजला सहाबी का भी नाम है। अल्लाह पाक ने सूरह काफ़ क्यों नादिल फरमाई, जब क़यामत में जाए तो अल्लाह से पूछ लेना। काफिरों ने सवाल किए थे, उसके जवाब में नाजिल हुई, इतना अरसा हो गया अभी तक तो समझ नहीं आए। इस्कंदर यूनान का एक बादशाह गुजरा है, ज़ुल्करनैन की मिल्कियत में जमीन का कौन कौन सा हिस्सा था, उसने मुझे कोई शरीक बनाया था, मुझे क्या पता। बहरहाल मियाँ बीवी मरने के बाद जो है, अगर औरत है तो औरतें गुसल दें, मर्द न दे, कोई ना हो तो मेरे खामन भी गुसल दे सकता। लड़की का नाम वसीमा रख सकते हैं, जो रखें जी, वसीमा रखें, नसीमा रखें, जसीमा रखें, जो मर्जी है। तो आपने नाम, आपने इस्लामी नाम थोड़े रखने हैं, आपने रखने हैं मॉडर्न किस्म के नाम, तो जो मर्जी है रखो। अहले हदीस कहती हैं कि जुमा की दूसरी अजान बिदत है, अगर हजरत उस्मान का अमल बिदत है तो फिर इनका कहाँ से सुन्नत हो गया। हजरत उस्मान तो खलीफा राशिद हैं, और हजूर ने फरमाया कि मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ो। अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुलफा राशिदीन अल महदीन, और हजरत उस्मान खलीफा राशिद है। और दूसरा, जब हजरत उस्मान ने ये ऐलान फरमाया तो सहाबा जितनी उस जमाने में लाखों थे, किसी ने एतराज़ भी नहीं किया, तो इजमाए सहाबा भी हो गया। तो जो चीज़ खलीफ़ राशिद का तरीका और इजमा की सुन्नत से साबित हो वो तो मनसूस है। अब इनके एतराज़ का क्या इलाज करें हम। अल्लाह पर दुआ करो, इनको अल्लाह हिदायत दे, वरना लोगों को क्या सबक पढ़ा रहे हो। यानी हजूर के ज़माने के बाद हजरत उस्मान भी बिदत करने लग गए, हजरत उमर ने 20 तरावी की रकात नमाज पढ़ाई, तरावी की वो भी बिदत करने लगे, तो नऊज़ु बिल्लाह, सुन्नत पे अमल किसने किया। क्यों वो तनफ़िर कर रहे हो दीन से लोगों को, अल्लाह हिदायत दे। मैं एक इंजीनियर है, वो कहता है कि बरेलवी ऐसी सब, चलो वो खुद तो ठीक है ना, बस काफ़ी है उसके लिए। इसका माना ही यही है कि वो खुद गलत है, सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। हज तमत्तो वाले अगर हुदूद हरम से बाहर चले जाएं, कोई बात नहीं, जैसे मस्जिद ऐशा चले गए, जराना चले गए, उमरा भी ना करें, कोई हाल नहीं।
एहराम को पिन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। मेरे तीन बच्चे फौत हो गए हैं, अल्लाह आपको औलाद तूल अमल नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ किया करें जो कुरान में है, रब्बिला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। तवाफ़ ज़ियारत साल ज़िलहज को नहीं होता, 11 को होगा इंशाअल्लाह, 10 को होगा। नौ ज़िलहज को तवाफ़ ज़ियारत नहीं होता, क्यों घटते हो बातें अपनी। मेरी बीवी घर में मुझसे बहुत झगड़ा करती है। जो औरतें नाहक अपने खावन से झगड़ा करें और उनके हुकूक अदा न करें तो अल्लाह के फरिश्ते उन पर लानत भेजते हैं। अब उसकी मर्जी, वो लानती बनना चाहती है तो बने। हज के अरकान इंशाअल्लाह जब हज करीब आएगा आपको सब सिखा देंगे। वैसे बहरहाल अहम चीज़ें याद रख लें कि नियत है, एहराम है, उसके बाद वकूफ़ अरफात है और तवाफ़ ज़ियारत है। मैंने उम्रे के तवाफ़ के दौरान रुकन यमानी को हाथ लगाया, खाने काबा को बोसा दिया, कोई दम शम नहीं है। तवाफ़ अफजल है या उम्रा? जितने दिन मक्के में रहें तवाफ़ ज़्यादा करें। तवाफ़ के दो चक्कर लगाए, नमाज शुरू हो गई, नमाज पढ़ के जहाँ छोड़ा है वहीं से शुरू कर दें। क्योंकि आजकल बड़ा रश है, कहो इब्तदा से करो, वो पहले ज़माने की बातें हैं। अगर कुर्बानी करने के बाद हम हल्क नहीं करा सके या हल्क करा लें तो फिर कपड़े पहन लें, नहीं कराया है तो उसी हालत में भी तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। मक्के में तवाफ़ ज़्यादा बेहतर है तिलावत कुरान से। तिलावत कुरान पूरी दुनिया में आप कर सकते हैं लेकिन तवाफ़ कहीं नहीं कर सकते। औरतों में नज़र पड़ जाती है, झुका लें। अपनी औरत को तलाक की धमकी देना अच्छी बात नहीं है। तलाक तो नहीं होगी, धमकी है ना, दी तो नहीं है ना, लेकिन ऐसा न किया करें। जो चीज़ अल्लाह को नापसंद है उसी की तुम धमकी देते हो। एहराम की हालत में उंगली में जख्म आ गया, खून निकल आया, कोई बात नहीं। बहरहाल यहाँ पर जितने अइमा हैं, जितने उलमा हैं, सब अहमद इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे अमल फरमाते हैं।